और इसी के साथ आपको सीधा लेकर चलते हैं जयपुर, जहां पर मानसरोवर में आयोजित गो सेवा सम्मेलन में सीएम अशोक गहलोत शिरकत कर रहे हैं। मुझे मंत्री ने गिरिजी महाराज साहब अध्यक्ष राजस्थान गौ सेवा समिति आदरणीय रघुनाथ जी पुरोहित राजपुरोहित और तमाम यहाँ पहुँचे हुए गौशाला के प्रबंधकगण, गौ सेवा करने वाले हमारे भक्तगण, मैं सबको नमन करते हूँ। मुझे खुशी है कि आज गौ सेवा सम्मेलन में आने का मुझे तीसरी बार सवाल है। पहले भी दो बार आप लोग काम नहीं हो, आपकी मांग मुझे मालूम है, आपकी मांग है, आपकी मांग के बारे में बोलूंगा। अभी आप स्वयं रहिएगा, मुझे ध्यान है कि हमने 33 से 50 जिले बनाए राजस्थान के अंदर, और उसको कुछ शिकायतें भी है, सीमाओं की है, नए जिले की है। आप पहले मेरा प्रॉब्लम सुनिए, मुझे मालूम है कि आपकी मांग आपके धरने ज्यादा जगह जगह, पर ये स्थान नहीं, ये स्थान है गो भक्तों का, गो सेवा का है। आप कृपया साथ देंगे, मैं उसके बारे में बात करूंगा। मुझे बहुत खुशी है, आज एक बहुत ही गरिमामय माहौल के अंदर हमारे छात्र समुद्र में बैठे हुए हैं, बद में बैठे हैं, जीवन लगा दिया गायों की सेवा के लिए, प्रतिबद्ध है, समर्पित है। गौ माता के बारे में तो सीधा भी कहा गया मेरे स्कूल के अंदर, गांधी जी ने भी वो बड़े गौ माता थे, छत भी उन्होंने कहा था गौ माता जन्म देने वाली माता से श्रेष्ठ है। हमारी माता में दो साल तक दूध पिलाती है, आशा करते हम बड़े होकर के उनकी सेवा करेंगे, परंतु गाय चारे का घर कुछ नहीं मांगती, कुछ आशा नहीं करती। गौ माता जीवन के बाद मृत्यु के उपरांत भी सेवा करती है, गाय के मरने के बाद उनके शरीर के हर अंग कहते हैं कि चमड़े सी सब काम जो उपमा गाय माता को गौ माता को गांधी जी ने दी है वही हम सब की है। और मैं समझता हूँ कि आप जितने साधु संघ में बैठे रहे हैं, हिंदू धर्म के अंदर भी ग्रंथों के अंदर भी गाय का अलग ग्रंथ है, और उसी ढंग के आप सब साधु संतों की भावना देखते हुए और जिस प्रकार से मुझे याद है 2013 के अंदर जब गिरिजी महाराज साहब आप सबको लेके दर्शन ले आए थे, और मैंने उसी में घोषणा करी थी देश में पहली बार गांव का अलग निदेशालय बनेगा, उन्होंने कहने घोषणा नहीं करी बल्कि आदेश जारी थी, अलग डायरेक्टर बन गया गाँव का, और आदि सरकार ने उसका नाम विभाग ले लिया है, परंतु विभाग को बना दिया तो 5 साल में सिर्फ 500 करोड़ रुपये दिए गौशाला, और हमने 500 के बजाय अभी इन 5 साल में 3000 करोड़ रुपये दिए गौशाला के। उनका पहले 3 महीने का था, जब हमने शुरुआत करी 6 महीने का हुआ, अब 9 महीने का काम है, तो कोई कमी नहीं रखी। हम जानते हैं कि
डाइवर्ट करना था जीवन के अंदर। ऑक्सीजन भी तो मैं गाड़ी गए थे आपको, ये पीछे पड़े रहते हैं गाय के लिए, गौशालों के लिए, गंदी सालों के लिए। एक करोड़ 56 लाख रुपये एक गंदी साल बनाने के लिए सरकार ने बिना मंजूर किया, पर बहुत कम जगह गंदी साल बन पाई है। कहीं जमीन नहीं मिल रही है, कहीं जो है महंगे के तौर के अंदर लोग आगे नहीं आ रहे हैं, तो धंधे चौराहे में बननी चाहिए, उन ढंग में बन नहीं पा रहे। वरना जो हमारे पसंद जो स्थिति है, खेत में नुकसान करते हैं, अक्षिण होते हैं, मानव नुकसान करते हैं, मन के अंदर तकलीफ देती है, सबकी भावना की हमारा पशु के नाम पर कोई भी पशु गजब नहीं जाए। नदी चौदह नदी गाय 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 और मुद्रा लगता है जिसको माँ कहते हैं, वो भी हमारा पशु के रूप में हत्या नहीं गया तो हम सबको किसी को भोजन नहीं आता अल्लाह का साथ होने के लिए। इसलिए हमने प्रयास किया है कि इस प्रकार से हमको गाय माता का ख्याल रखें, अनुदान दें। अभी लंबी रोग आ गया, गाय का मरना एक बात है, तरह तरह के मरना दूसरी बात। आपने देखा हमारे गाय जो है लंबे लोग की बीमारी से तकलीफ से तरह तरह के मर रही थी, इतना दुख होता हुआ हम सबको कोई कल्पना नहीं कर। हमने बदन मांगे थे, मैंने मेरे भजन के अंदर घोषणा कर दी 40,000 में प्रति गाय मेरी पूरा गाय होती है। घोषणा नहीं करी हमने, जो सबको डिप्टी कर दिया बैंक में पहला ट्राफ कर दिया 40,000 गाय याद नहीं करती कि जो पशुपालन थे सबको कह दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकारों को लंबी लोग गाय मरे एक बार मिलनी चाहिए, मैंने कहा अखबार पढ़ा था मेरे भी मालूम गए थे कोई पहला पढ़ा था। आप हो सकते हैं कि और तो अभी मेरे काम धन योजना शुरू कर दी, महंगाई के लाभ हमने कराया, हमने 10 गारंटी 25,000 का बीमा इलाज था, क्रांतिकारी है बीमारी का दवाई फ्री, टैक्स फ्री, ऑपरेशन फ्री, पूरा ऐलान फ्री होना किसे कहते हैं। 2 लाख 5 लाख 1.5 लाख नॉर्मली खर्चा होता है, हार्ट का ट्रांसप्लांट करवाओ, बाईपास करवाओ, किडनी बदलवा दो, गुड्डे बदलवा दो, इतना बड़ा काम है। महंगे के लाभ के अंदर हमने बड़ा फैसला किया, उसी वक्त हमने ये लंबी रोड का भी किया और साथ में काम धन योजना लेके आया हूँ। हर परिवार को गायों को जो पशुओं बैठी हो सकती उनका बीमा सरकार करवाएगी, सरकार कर जमा करवाएगी उनका प्रीमियम का। पशुपालन में एक नया कानून है वो हमने शुरू कर दिया है जानने के लिए। तो मैं कहना चाहूँगा कि आपका आशीर्वाद, आप सबका आशीर्वाद, आपका स्नेह, आपने समस्या बताई, चैलेंजिंग बताई, प्रत्येक पशु हमने बढ़ोतरी भी करी थी। कुछ आपने कहा कि मैं अनुदान जो है भी रुके पड़े हैं, मैंने ऐसे तालिबान बात करे हमारे अधिकारी थे एशियन फाइनेंस से, मैंने कहा आप 72 घंटे के अंदर अंदर तमाम पेमेंट होना चाहिए, कोई घोषणा बाकी नहीं कर दिया। आपकी मांग है कि नंदीशाला नंदियों को नंदी खुद की शाला है, नंदियों को अलग कर दो गौशाला का, जो गौशाला संचालक चाहेगा उसको हम लोग नंदियों को भी गौशाला में अलग करने में घोषणा करता हूँ। नंदी भी हमारा पूरी क्षण आती है, मैं समझता हूँ कि उनके लिए उन्होंने अलग से लंबी धारा खोलने का फैसला कर लिया और
1,54,000 रुपये अभी दे रहे हैं हिंदू समाज, 1,50,000 के अंदर ये फैसला तमाम आएगा है। इन्होंने करवाया मुझसे लड़के झगड़ के आप गायों में लिए नंदी तालाब में लिए पैटे लीजिए, मुझे फाइनेंस डिमांड में समझना पड़ा तो हमने फैसला किया। धीरे धीरे जब वक्त बदलेगा समय बदलेगा, अभी गोचर भूमि का फैसला सुप्रीम कोर्ट का होता है और मैं गोचर भूमि में जमीन मिलती नहीं है, नंदी सड़क खोल नहीं सकती है, गोचर नहीं खोल सकती है, इस बात में आप सबको मालूम है इतने नंदी सड़क खोल नहीं है। आप ये मान के जो गौशाला बने हुए हैं गोचर भूमि में उनको नियमित किया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सरकार चाहते हुए भी उसको अभी तक नियमित कर नहीं पाऊंगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा ये समय से हमारे ध्यान में है और कोई तरीका निकालेंगे किस प्रकार से हम इन काम को नियमित करने में किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं। यदि सुप्रीम कोर्ट की भावना जो है उनका ध्यान रखते हुए फैसला करना पड़े तो हम लोग जाएंगे उन गाड़ियों में करना चाहूंगा, उसको आप नियमित कर पाएंगे आपको मिलेगी। क्या का चारा माफिया का चारा माफिया ये समाज के लोग हैं, इनको सोचना चाहिए कि आप समाज के कुछ के लोग हैं, समाज से आते हैं, कैसे आप चारे भाव बढ़ाते हो, क्या बेचेंगे दूसरों को, आप महंगे के जमाने में चारा महंगा हो जाए आप सोच सकते हो दूसरों को समान बड़ा मशीन होते हैं, खिलाते हैं उनकी परेशानी उनके तौर पर महसूस करता हूँ। इसीलिए हमने प्रत्येक पशु भी 40 रुपये बढ़ा दिए, ध्यान में गया किसानों का गाँव खत्म कर दिए, पहले 200 रुपये थे उनको मिलता था 2 साल, हमने 2 साल के साल पर पंजे के 1 साल कर दिए, बड़ा फैसला था 2 साल में 1 साल अवसर चला ले गई कोई हम लोग पेंशन कर देते, 200 पशु उत्तम होते थे तब जाके उनको मैंने बन देते थे, अब हमने 100 पशु कर दिए तो 100 पशु पे 1 साल आ गया तभी 2 साल कर सकते हैं, इससे भी और गोबर का गया है और अभी भी 2 साल खोले इसके पीछे मन चाहिए Thank you.